सबका स्वागत है मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल। बिना स्किप की ब्रेड रोल की रेसिपी आप एंड तक जरूर देखना। तो अब हम यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और पैन में मैं 1/2 kg दूध ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम 1/2 kg दूध की रबड़ी बनाएंगे और दूध हमें एक उबाल आने तक हमें वेट करना है और बीच बीच में हमें दूध को चलाते रहना है ताकि हमारा जो मिल्क है वो नीचे ना चिपके पैन के साथ। तो यहाँ पे हमारा दूध का जब तक एक बॉईल ना आएगा तब तक हम इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे चम्मच से। तो बस यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध में बहुत अच्छे से एक बॉईल आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा दूध हमें बस नॉर्मल थोड़ा सा हमें थिक करना है, ज़्यादा नहीं करना। और यहाँ पे हमारी दूध बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और यहाँ पे हम ऐड करेंगे केसर। तो यहाँ पे मैंने 3-4 पत्ती केसर की ऐड कर दी है और यहाँ पे फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ रोज़ वाटर। तो आप यहाँ पे केवड़ा बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मैं रोज़ वाटर ऐड कर दूँगी, इससे फ्लेवर टेस्ट मिठाई में आप ज़रूर ऐड कीजिए। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे शुगर। मैं 4 से 5 चम्मच शुगर ऐड कर दूँगी। आप जितना मीठा खाते हैं आप उस हिसाब से मीठा ऐड करें। तो बस अब हम चलाते रहेंगे। तो अब हम इस तरीके से चलाते रहेंगे चम्मच से और ये जो साइड की हमारा दूध चिपक गया है उसको भी हम साइड से निकाल लेंगे चम्मच से। और यहाँ देखिए हमारा दूध बहुत अच्छे से हमारी रबड़ी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज में ठंडा होने रख देंगे, क्योंकि दूध अभी जब हमारा ठंडा होगा तो थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो बस इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, बस इतना ही आपको रखना है। तो बस अब यहाँ पे पैन में हम दोबारा हमारी रबड़ी बनाएंगे। आप सोच रहे हो पहले भी हमने रबड़ी बनाई और अब वापिस रबड़ी, तो वो रबड़ी थी हमारी थोड़ी हमने पतली रबड़ी बनाई और यहाँ पर हम थोड़ा थिक बिल्कुल मावे से हम बनाएंगे, बिल्कुल गाढ़ा बैटर टाइप का। तो यहाँ पे अब हम मैंने 100 ग्राम मावा ऐड कर लिया और इसमें हम थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है क्योंकि हमें बिल्कुल थिक सा इसका बैटर बनाना है। और यहाँ पे मावा क्या है, मैंने थोड़ा फ्रिज में रखा था, थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो आप 1 घंटे पहले बाहर निकाल लीजिए। और यहाँ देखिए हमारे दूध और मावा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस अब हम यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए और यहाँ पे शुगर ऐड कर देंगे इसी के साथ। 3 से 4 चम्मच में शुगर ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इसको कर देंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम चलाते रहेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा बहुत अच्छे से शुगर भी मेल्ट हो गया है। और इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट, मैंने काजू बादाम ऐड किया है। आप चाहे तो यहाँ पे पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं पिस्ता गार्निश करूँगी जब ऊपर से तब मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने काजू बादाम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड किया है। तो बस 1-2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा और चलाएंगे और यहाँ देखिए हमारा बिल्कुल थिक सा बैटर बन गया है, क्योंकि जब ये अभी ठंडा होगा हमारा मावा तब थोड़ा और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो बस इसी स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। तो बस यहाँ पे अब हम ले लेंगे हमारा ब्रेड और ये ब्रेड जो है बड़ा वाला ब्रेड है। 3 तरह के ब्रेड आपको मिलेंगे मार्केट में, एक बिल्कुल छोटू सा ब्रेड, एक मीडियम साइज और ये बिल्कुल काफ़ी बड़ा वाला। तो ये वाले ब्रेड हम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 से 6 पीस ब्रेड ले लूँगी मैं। तो यहाँ देखिए ब्रेड हमारे कितने बड़े हैं पीसेस इसके, और बिल्कुल आपको यहाँ पर फ्रेश ब्रेड लेने हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारे जो ब्रेड लिए हैं हमने 4 पीस ब्रेड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे जो साइड के पार्ट है ब्रेड के उसको हम नाइफ से हटा देंगे। तो साइड की कैनोरी हम सारे इसको निकाल देंगे। तो बस हमने यहाँ पे हमारे ब्रेड के सारे पार्ट निकाल दिए चारों तरफ के। तो यहाँ पे अब हम बेलन की सहायता से इसमें थोड़ा सा प्रेस करेंगे ब्रेड पे चारों तरफ। रोटी जिस तरीके से हम बेलते हैं पर इतनी फास्ट में नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इस तरीके से प्रेस करना है। तो अब हम सारे ब्रेड को इसी तरीके से बेलन से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे ब्रेड हमने बेलन से प्रेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक ब्रेड लेके इसके ऊपर हम हमारा मावा का बैटर ऐड करेंगे और कैनोरी में आपको ऐड करना है। तो बस हाथ से हमें थोड़ा सा इसको फैला देना है और धीरे धीरे करके हमें रोल करना है, जिस तरीके से हम क्रीम रोल खाते हैं तो सेम उसी तरीके से रोल करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम प्रेस कर देंगे इसमें।
तो इसी तरीके से थोड़ा सा पानी लगा के और इसको वापस फोल्ड करके, तो यहाँ देखिए हमारा एक ब्रेड रोल बन के तैयार। तो यहाँ पे आपको जो भी सर्विंग प्लेट में आपको सर्व करना है आप उसमें रखिए। तो बस यहाँ पे सेकंड वाला भी हम इसी तरीके से सेम प्रोसेस से मावा ऐड करेंगे कैनोरी में और बस रोल कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे सारे जो हमारे ब्रेड है सेम प्रोसेस से इसी तरीके से रोल करना है। तो यहाँ देखिए हमारे सारे ब्रेड के रोल कंप्लीट। मैंने यहाँ पे 5 ब्रेड लिए हैं। तो बस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर हम जो हमारी ठंडी जो हमने रबड़ी बनाई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी रबड़ी बहुत अच्छे से चिल्ड हो गई। आपको यहाँ पे रबड़ी बिल्कुल चिल्ड ठंड वाला लेना है। तो यहाँ पे हमारी रबड़ी हमने अभी निकाल ली है फ्रिज से और देखिए बहुत अच्छा सा रबड़ी बन के तैयार है। बस अब हम यहाँ पे हमारी जो ठंड वाली रबड़ी है उसको हम ब्रेड रोल पे सारे डाल देंगे रबड़ी को। और यहाँ पे रबड़ी हम बहुत अच्छे से हमें इसके ऊपर डालना है ताकि खाने में वही वाला रसमलाई वाला टेस्ट आए। और जब आप ये मिठाई खाएंगे ना फ्रेंड्स, सच में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप ब्रेड रोल खा रहे, बिल्कुल रसमलाई वाला टेस्ट आएगा। तो यहाँ देखिए हमारी सारी रबड़ी हमने बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमारे जो ब्रेड रोल बनके तैयार और कितना यम्मी लजीला लग रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़े से पिस्ते से मैं यहाँ पे गार्निश कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सुंदर हमारा ब्रेड रोल बनके तैयार है ना, मज़ेदार वाली रेसिपी। तो बिल्कुल आपकी ये रेसिपी झटपट, आप इसको डेजर्ट भी बोल सकते हैं। कोई भी मेहमान आए अचानक, आप घर पर मिठाई ना हो तो अचानक आप 5 मिनट में ब्रेड और दूध से बना के तैयार कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी ब्रेड रोल रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार। अब हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए 5-10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी रबड़ी है वो अच्छे से हमारे ब्रेड रोल में एब्जॉर्ब हो जाए। फिर मैं आपको एक प्लेटिंग करके बताती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमारे ब्रेड रोल की रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार और मैंने एक सर्विंग प्लेट में आपको सर्व करके बता रही हूँ। तो देखिए कितना यम्मी और लजीला डिश बनके हो गया ना तैयार। तो सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार है ये रेसिपी। तो आप जल्दी से जाइए और घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट्स करके बताना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।